जैसा कि वहाँ से हम लोग टिकट ले सकते हैं वहाँ से। और ये पीछे एंट्री गेट है, तो ये लाल बाग है बेंगलुरु में। और तो जैसा कि हम लोग अब आ गए हैं लाल बाग पार्क, ये आप देख रहे हैं स्टार्टिंग का गेट है, हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो हमारे रहे अमन भैया से आपको बात करवाते हैं। तो अमन भैया बताइए, हम लोग आज कहाँ आए हैं? लाल बाग। आप पहले भी आ चुके हैं क्या? एक बार आए हैं, 4-5 साल हो गया है। अच्छा, 4-5 साल हो गया है। तो आपको कुछ बदला बदला नजर आ रहा है क्या यहाँ पे? बदले हुए हैं, तालाब में पानी है, नए ठेले लगे हैं। इतने पहले बेचने वाले लोग नहीं थे, खान पान का सामान यहाँ पे उतना उपलब्ध नहीं था। और अपडेट वगैरह कुछ हुआ है क्या? उतना कुछ खास नहीं, झाड़ झंखाड़ बढ़ गए हैं बस, यहाँ मेंटेनेंस कम है पिछली बार था। तो आपको याद है टिकट का पैसा कितना लगा होगा पिछली बार जब आए होंगे? पिछली बार 15-20 रुपये लगे थे, इस बार 30 रुपये लगे। अच्छा, यानी कि दुगना टिकट का दाम बढ़ गया है। तो जैसे कि हम लोग उधर घूम रहे थे बागान में अभी, मतलब वो गार्डन में, तो गार्डन की साफ सफाई उतना कुछ अच्छा नहीं था। हाँ, तो नहीं। सिर्फ पैसा बढ़ा है, मेंटेनेंस नहीं है उतना सारा कुछ। अच्छा, और तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब ये कौन सा पार्क है, क्या है, कौन सा, मतलब इसका लोकेशन बता सकते हैं? ग्रीन है। अच्छा, ये बस छोटा सा यहाँ लोकेशन बता सकते हैं क्या? लोकेशन लालबाग। अच्छा, लालबाग बेंगलुरु 15 सेक्टर 15। ये दृश्य जो है हम लोग देख रहे हैं, ये 15 है या 20 है? 15 है। अच्छा, चलिए, जैसा कि हमने आपको अमन भैया से बात करवाया, तो अमन भैया ने बताया, अब हम आपको मिलाना चाहेंगे हम अपने नए, जो हमारे नए फ्रेंड नहीं है, दरअसल में हमारे क्लासमेट ही हैं, रवि नाम है, बहुत अच्छे क्लासमेट है हमारे, रूम पार्टनर भी थे सीयूके में हमारे। तो ये रवि जी हैं, तो हमारे ये अभी मतलब आए हैं, आज ही आए हैं, मतलब ये कहीं पे क्या कर रहे हैं आप रवि जी अभी, जैसे वैसे हमारा फील्ड में आप अभी टीचिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो टीचिंग आपका ही फील्ड से है ना, रिलेटेड टीचिंग जो करवा रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी कहाँ रह रहे हैं बेंगलोर में? अभी नागर भावी। अच्छा, तो और सब कैसा चल रहा है अभी? अभी आपका मतलब ये जो शुरू हुआ है आपका जो भी है, तो अच्छा चल रहा है अभी। तो अभी रवि जी से हम लोगों ने बात की, तो रवि जी जैसा कि बताया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो वैसे हमारे ही क्लासमेट है, क्लासमेट भी हैं और रूम पार्टनर भी हैं। तो यही है नज़ारा, आप नज़ारा देखिए, ये देखिए। ये हम लोग कहीं तो आ गए हैं, लाल बाग गार्डन में ही है, बट पता नहीं क्या नाम है इसका। और वहाँ पे एंट्रेंस हमने जैसा कि दिखाया ही, और ये देखिए यहाँ पे टूटा फूटा कुछ तो पड़ा हुआ है, वो बिल्डिंग है कुछ किसी चीज़ का, शायद वो रोज़ गार्डन का बिल्डिंग है, बट वो सामने से तो बंद है। और ये देखिए आप, ये नज़ारा देखिए। तो अब हम लोग मेन रोड पे निकलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेड़ का कटिंग बनाया गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने ईयर पहले बनाया गया था। तो ये 200 ईयर पहले बनाया गया था, और अभी तक ये जैसा बनाया गया था वैसा ही है। मैं आपको इसको ना चारों तरफ, ये डिजाइनिंग का कमाल है सारा कुछ, बहुत ही अच्छी दृश्य है ये। ऐसे ऐसे और भी पेड़ हैं यहाँ पे, एक पेड़ देखिए ये रहा,
ये भी कुछ पेड़ का ही डिजाइनिंग बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने साल पहले बना था। ये आप देखिए, ये लाल बाग 2018, बट ये नीलगिरी ट्री है, 200 ईयर पहले का लोटस बुद्धा ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जो भी पिक्चर बहुत मस्त है। जो आप देख रहे हैं ना, ये शायद खराब होने लगी है, मतलब इस पे पेंट नहीं है ना, पॉलिश नहीं है, इसलिए खराब हो रही है। तो मैं आपको ना चारों तरफ घूम के दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं। ये वैसे ऊपर देख रहे हैं जैसा कि खराब होने लगी है, पॉलिश शायद इसको मेंटेन नहीं किया गया है या किसी तरीके से, तो ये खराब होने लगी है। तो मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ ऐसी चीज़ें। ये देखिए कुछ बांस का यहाँ पे बना हुआ है, वो जैसा कि अभी नहीं दिखाया, बट घूम के मैं आपको ना चारों तरफ दिखाऊंगा। ये भी कोई ये पेड़ ही है, नीलगिरी का पेड़ ही है, जो कि ये भी 200 इयर्स का ही पहले का है। मैं आपको ना ये सारा दृश्य दिखाऊंगा, ये भी आप देख सकते हैं, और आगे भी मैं आपको दिखाऊँगा। नीलगिरी का ही है पेड़, इसलिए शायद नीलगिरी का शायद मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा दिन तक चलती है, जिसके कारण अभी तक ये वैसा ही है जैसा पहले बनाया गया था। मतलब कुछ कुछ तो आएंगे ही, कुछ कुछ ख़राब हो रहे हैं, बट ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, अभी भी इनमें क्वालिटी बची हुई है, जिसके कारण ये अभी भी वैसा ही दिख रही है जैसा कि स्टार्टिंग में बनाया गया था। ये देखिए, इस पर कढ़ाई की हुई है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये आप देख सकते हैं, ये कुछ गुंबद ऐसा बनाया गया है। आपको मैं यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी खूबसूरती है। नेचुरल लाइफ से जो अगर प्यार करते हैं, जिनको लगाव है, वो यहाँ एक बार ज़रूर आए, बहुत ही अच्छी खूबसूरती है। ये आप चिड़िया की आवाज़ सुनिए, बहुत ही मस्त है। चिड़िया की चहचहाहट सुनिए आप, बहुत ही मस्त है।